ये रेडी हो चुकी है हमारी हिमालयन 450 टॉप नॉच मॉडिफिकेशन के साथ फुल ऑन लोड। ये चेक करो गाइस, सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन है यार। तो ये जो हिमालयन 450 है ये ए टू जेड वन टू ऑल मॉडिफिकेशन के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ मैं, और इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था। अब मैं ये खुद कंपैरिजन नहीं कर पा रहा हूँ कि वो ज़्यादा मॉडिफाइड थी या फिर ये ज़्यादा मॉडिफाइड है, ये आप लोगों ने बताना है। तो ये आ रखी है एक्चुअली यूपी से, तो इसमें काम होने वाले हैं वो ए टू जेड सारी चीज़ें होने वाली हैं जो आप लोगों को टूरिंग के लिए यूज़ आती हैं। तो होता है सेफ्टी के लिए, इंजन के लिए भी, आपकी बाइक के लिए भी। तो अभी ये अनकम्प्लीट है, तो ये सैडल स्टे कुछ इस तरीके से आएंगे गाइस, और इस पे लगेंगे आपके साइड पैनियर्स। एग्जैक्ट किस जगह से लाए थे? वृंदावन से लेकर आया भैया हमारे पास यूपी से। okay, फिलहाल आप रेंडमली आए हो या वीडियो वगैरह देखकर आए? वीडियो देखकर आए। थैंक यू वेरी मच, आप इतना प्यार और सपोर्ट देते हो, आप रिजल्ट देंगे। फिलहाल ये इसके साइड पैनियर्स टॉप बॉक्स का कॉम्बो आ गया है। जैसे कि इसमें नेविगेशन के लिए मोबाइल होल्डर रहेगा और फुल्ली वाटरप्रूफ रहेगा, इसमें चार्जिंग विदाउट चार्जिंग का संप गार्ड तो ये नीचे लगेगा जिससे आपका इंजन भी सेफ रहेगा। एंड 360 व्यू के साथ मिरर लगने वाले हैं, 360 इसलिए कह रहा हूँ मैं, किसी भी एंगल में इसको सेट कर सकते हो। अब ये कैमरा माउंट हो गया, इसमें आपने 360 लगाना है, GoPro लगाना है, अपना फ़ोन लगाना है। अब हैंड गार्ड्स इसमें लगने वाले हैं, ये जो होती है ये भी कभी ख़राब नहीं होती, इस पर जंग भी नहीं लगता। तो ये हैजार्ड होता है, ये चारों इंडिकेटर को जलाने का काम करेगा, एक साथ 22-23 तरीके के पैटर्न होते हैं। अच्छा, सिलेंडर कैप हो चुकी है इसमें, ये कैलिवर कवर आ गया पूरा, और इसकी फिनिशिंग बहुत ज़बरदस्त है हो गया। ये हार्नेस वायरिंग आ गई, ये 7 LED आ गए भैया, और इस पर बहुत ही हैवी आता है, ये भी लगने वाली है, और हार्नेस वायरिंग के साथ लगे। हेडलाइट का ग्रिल इसमें लगने वाला है, तभी तो डैमेज ना हो, ये उसकी चीज़ के लिए होती है। इसके अलावा टैंक यहाँ पर निकाल रखा है, क्योंकि अब इसमें लगाने वाले हैं हार्नेस वायरिंग। टॉप बॉक्स जो लगाने वाले हैं 65 लीटर का लगेगा इसमें। तो इसमें हेडलाइट का ग्रिल लग चुका है, हैंड गार्ड लग चुके हैं, GPS माउंट लग चुका है, एंड यहाँ पर और फॉग लैंप्स जो हमने लगाई है वो लगाई है डबल, कि इसकी फाइनल लेयर उतारी नहीं है, क्योंकि काम करते समय को खुद ही स्क्रैच लग जाए। सो हेलो एवरीवन, आई होप डूइंग एब्सोल्यूटली फाइन। तो गाइस कैसे हैं आप सब, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, मेरा नाम है सिकंदर। जैसा कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में देख ही लिया, तो आज के सिनेरियो में जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हिमालयन 450। लेकिन अगर आप लोगों के पास हिमालयन 411 वाला वेरियंट है तब भी आप इस तरीके का मोड्स करा सकते हो। तो अभी जो अपने पास बाइक आ रखी है, तो ये आ रखी है एक्चुअली यूपी से, और एग्जैक्ट किस जगह से है मैं कस्टमर खुद बताएंगे कहाँ से आए हुए हैं। फिलहाल जो इसमें काम होने वाले हैं वो ए टू जेड सारी चीज़ें होने वाली हैं जो आप लोगों को टूरिंग के लिए यूज़ आती हैं। तो अभी आप देखोगे तो इसमें जैसे क्रैश गार्ड की फिटिंग चल रही है एंड सैडल स्टे की, तो क्रैश गार्ड बहुत ज़रूरी पार्ट होता है सेफ्टी के लिए, इंजन के लिए भी, आपकी बाइक के लिए भी। तो अभी ये अनकम्प्लीट है, इसके अलावा सैडल स्टे लगेंगे। एक सैडल स्टे लगा के और दिखाना रख के किस तरीके का आने वाला है। तो ये सैडल स्टे कुछ इस तरीके से आएंगे गाइस, ये देखो, और इस पर लगेंगे आपके साइड पैनियर्स, और टॉप बॉक्स लगेगा बैक साइड में, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फिलहाल अभी ये जो है काम चल ही रहा है इसमें, और ये कुछ एक्सेसरीज इसकी और है, और जो एक्चुअली बाइक है वो भैया की है, भैया लेकर आए थे हमारे पास। एग्जैक्ट किस जगह से लाए थे? वृंदावन से लेकर आया भैया हमारे पास यूपी से। और ये कब निकले थे वहाँ से आप? सुबह मॉर्निंग में। तो अभी क्या रिव्यू लेंगे, फिलहाल आप रेंडमली आए हो या वीडियो वगैरह देखकर आए? वीडियो देखकर आए। थैंक यू वेरी मच, आप इतना प्यार और सपोर्ट देते हो, अभी इनका रिव्यू नहीं लेंगे, क्योंकि अभी इनको भी नहीं पता और हमें भी नहीं पता कैसी बाइक बनने वाली, तो फाइनल रिजल्ट देंगे। फिलहाल ये इसके साइड पैनल टॉप बॉक्स का कॉम्बो आ गया है, ब्लैक में ले रहे हैं, मैट ब्लैक में, और अगर आप लोगों को ग्रे में लेना है कुछ इस तरीके का तब भी आप बना सकते हो। लेकिन फिलहाल और छोटी छोटी चीज़ें और हैं तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो क्योंकि ज़रूरी है। जैसे कि इसमें नेविगेशन के लिए मोबाइल होल्डर, अब इसमें काफ़ी सारे ब्रांड आते हैं लेकिन वो इनफ है, इसमें पूरा फ़ोन आपका ईजिली आ जाएगा और फुल्ली वाटरप्रूफ रहेगा, इसमें चार्जिंग विदाउट चार्जिंग एंड इसमें गारंटी भी रहती है, आई थिंक एक साल की गारंटी रहती है। तो ये हो गया, और अगली चीज़ है इसका संप गार्ड, तो ये नीचे लगेगा जिससे आपका इंजन भी सेफ रहेगा और काफ़ी अच्छा लुक आता है, और ये इसमें जंग नहीं लगेगी, ये देखो ये बहुत ही ज़बरदस्त है, ये चीज़ हो गई। एंड 360 व्यू के साथ मिरर लगने वाले हैं, 360 इसलिए कह रहा हूँ मैं, किसी भी एंगल में इसको सेट कर सकते हो आप, तो ये लगाने के बाद ही दिखा पाऊँगा। और इसमें विजिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है, पूरा व्यू आपको दिख जाता है इजिली, इसकी फिटिंग भी काफ़ी सारी है, एक सेट है ये, तो ये भी लगाने वाले हैं। वैसे तो मुझे ये माउंट ही लगता है, कैसा माउंट वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस तरीके का माउंट लगता है। अब ये कैमरा माउंट हो गया, इसमें आपने 360 लगाना है, GoPro लगाना है, अपना फ़ोन लगाना है, दैट्स इट, लग जाएगा। ये भी लगाने वाले हैं, फ्लैग भी रहेगा, इसके अलावा हैंड गार्ड्स इसमें लगने वाले हैं, और इसमें कलर काफ़ी सारे मिल जाते हैं। और यहाँ पर जो फॉग लाइट लगाने वाले हैं, मैं उससे पहले आपको क्लैंप दिखा देता हूँ, ये क्लैंप आ चुकी है इसकी, और क्लैंप इसलिए ज़रूरी होती है ताकि किसी भी तरीके का टूरिंग के समय में लूजिंग ना आए, तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ, इसके बाद ही आप लगवाना।
ये देखो, तो ये जो होती है ये भी कभी ख़राब नहीं होती, इस पर जंग भी नहीं लगता है। और यहाँ पर अगली आइटम आ चुकी है हैज़ार्ड। तो ये हैज़ार्ड होता है, ये चारों इंडिकेटर को जलाने का काम करेगा एक साथ। 22-23 तरीके के पैटर्न होते हैं और एक साल की गारंटी होती है इसकी भी। कार्ड वगैरह मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं आती। मास्टर सिलेंडर कैप हो चुकी हैं इसमें, ये कैलिवर कवर आ गया, ये इसके फूट ट्रस्ट आ गए पूरे वाले, दोनों साइड से लगेंगे इस तरीके से, ठीक है जी। ये सेट है पूरा और इसकी फिनिशिंग बहुत ज़बरदस्त है मैट में, तो ये भी ज़रूरी चीज़ें। GPS माउंट हो गया, ये हार्नेस वायरिंग आ गई जो आप लोगों की फॉग लाइट की जो है किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। और ये 7 LED आ गई भैया, और इसमें जो है आप लोगों को जो फोकस होने वाला है बहुत ज़बरदस्त, और फ्रंट से जो लुक आएगा ना बाइक का तो बहुत ही हैवी आता है। तो ये भी लगने वाली है, साथ में मर्सिडीज़ वाली भी लगने वाली है, और हार्नेस वायरिंग के साथ लगेगी ताकि किसी तरीके की दिक्कत ना आए, बैटरी परफेक्ट ना पड़े। हेडलाइट का ग्रिल इसमें लगने वाला है जो लुक को भी इन्हेंस करेगा, हेडलाइट की सेफ्टी भी रहेगी ताकि राइडिंग के दौरान पत्थर को लगता भी तो डैमेज ना हो, उसकी चीज़ के लिए होती है। इसी तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें और हैं, तो इसे इंस्टॉल करता रहता हूं और आपको दिखाता रहता हूं। ये काम जो है शुरू करने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अभी इसमें काफ़ी सारे काम होने हैं, तो फाइनल पे दिखाऊंगा मैं आपको कैसा लुक आता। अभी आप देख लो कैसी दिखती है, फिर फाइनल पे आपको दिखाएंगे। प्रोसेस चल ही रहा है, जो बाइक का सामान निकला है वो एज इट इज़ पैक करके आपको वापस कर दिया जाएगा ताकि आपके बाद में काम आए। इसके अलावा टैंक यहाँ पर निकाल रखा है, क्योंकि अब इसमें लगाने वाले हैं हार्नेस वायरिंग। अब हार्नेस वायरिंग इसलिए लगाते हैं ताकि एक तो प्रॉपर कपलर टू कपलर फिटिंग होगी, ठीक है जी, दूसरा इसके अंदर जो है वायरिंग आ जाती है और आपकी बैटरी पर किसी तरीके का इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये सब चीज़ों के लिए प्रॉपर काम करते हैं, क्योंकि वैसे ही अगर लगा देंगे तो निकल जाएगा, इसलिए टैंक को निकाल कर प्रॉपर तरीके से किया हुआ, क्योंकि हमारे पास पूरे स्पेशलिस्ट हैं। टॉप रैक की जो है प्लेट इसमें एड ऑन हो चुकी है, और उसके ऊपर से जो आपके टॉप बॉक्स की प्लेट है वो भी इस पे लग चुकी है। टॉप बॉक्स जो लगाने वाले हैं 65 लीटर का लगेगा इसमें, जिसमें आप मोटा मोटा मान के चलो कि आपके दो हेलमेट आ जाएंगे। यहाँ आ गए अपने साइड पैनियर्स, एंड यहाँ पर लग गए सैडल स्टे, यहाँ पर लग चुके हैं फूट ट्रस्ट, वो भी ड्यूअल साइड वाले, जो कि आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो। क्रैश गार्ड का भी लुक देख सकते हैं आप यहाँ पर, हैंड गार्ड लग चुके हैं, मास्टर सिलेंडर कैप लग चुकी है, 360 रोटेशन वाले मिरर लग चुके हैं, GPS माउंट एंड ओबो का मोबाइल होल्डर, यहाँ पर कैमरा माउंट लग चुका है। इसी तरीके से सम्प गार्ड वगैरह हो गया, रेडिएटर ग्रिल हो गई, फोर्क स्लाइडर्स हो गए। तो अभी भी काम इसमें चल ही रहा है, क्योंकि अभी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें और लगनी बाकी है। यहाँ पर टायर हैगर भी लग चुका है, इसके अलावा इधर मिट्टी और है, R15 एंड R15। तो गाइस हिमालयन में अगर अभी आप देखोगे तो इसमें हेडलाइट का ग्रिल लग चुका है, हैंड गार्ड लग चुके हैं, GPS माउंट लग चुका है, एंड यहाँ पर बोबो का मोबाइल होल्डर, बोबो के अलावा भी मेरे पास काफ़ी सारे ब्रांड और मिल जाएंगे। और फॉग लैंप्स जो हमने लगाई हैं वो लगाई हैं डबल, यानी कि एक बहुत हैवी और एक मीडियम फॉग लाइट लगाने के बाद, क्योंकि इसका फोकस इतना है कि ये रात में दिन कर देती है। और इसके अलावा हॉर्न वगैरह हो चुके हैं, सम गार्ड लग चुका है, फोर स्लाइडर्स, एंड यहाँ पर देखोगे 360 वाले मिरर, टॉप बॉक्स की फिटिंग हो चुकी है, साइड पैनियर्स की फिटिंग होनी बाकी है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो गाइज यहाँ पर आपके फूटर्स आ चुके हैं, एंड यहाँ पर देखोगे तो इसके PPF भी कंप्लीट हो चुकी है, इसकी फाइनल लेयर उतारी नहीं है, क्योंकि काम करते समय को खुद ही स्क्रैच लग जाए तो वो भी सेफ रहता है। और भी काफ़ी सारी बाइकें यहाँ पर रॉयल एनफील्ड मेटियोर हो चुकी है, R15, और वहाँ पर भी देखो तो काफ़ी सारी बाइकें हैं, स्कूटी है, MT है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है, लेकिन हर बाइक की अलग देखने को मिलेगी आप। तो दोस्तों फाइनल रिजल्ट चेक कराता हूँ आप लोगों की, ड्रीम बाइक हिमालयन 450 का कैसा लुक आया है देख सकते हो आप। इसमें सारी चीज़ें एड ऑन हो चुकी हैं, इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था, अब मैं ये खुद कंपैरिजन नहीं कर पा रहा हूँ कि वो ज़्यादा मॉडिफाइड थी या फिर ये ज़्यादा मॉडिफाइड है, ये आप लोगों ने बताना है। उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चेक कर सकते हो। तो ये जो हिमालयन 450 है ये A to Z 1 to All मॉडिफिकेशन के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ मैं, और ये जो चीज़ें आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं, ये सेम वर्ग आप हिमालयन 411 वाले वेरिएंट में भी कर सकते हो आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कि करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले आप इसका फ्रंट लुक देखो, तो फ्रंट में सबसे पहले आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर हैंड गार्ड, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लुक है। और ये वाला जो हमने लगाया है ये ब्लैक की जो है थीम है, एक्चुअली स्मोकी में है, क्योंकि जो बाइक का कलर है तो उससे मैच होता हुआ हमने दिया है। ये पूरे के पूरे हाथों की प्रोटेक्शन देते हैं, प्रोटेक्ट देते हैं, क्योंकि लीवर गार्ड का भी लुक दे देते हैं यहाँ से, देखो भाई, ठीक
ठीक है जी। और इसकी जो कनेक्टिंग्स है वो यहाँ से आती है, यहाँ से आती है, जिसके वजह से इसका जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राउड, काफ़ी ज़्यादा बल्कि हो जाता है, एक मस्कुलर बाइक बनती है, क्योंकि हमने पीछे से तो इसको मस्कुलर बना दिया है, हैवी बना दिया है, लेकिन अगर फ्रंट में हम इस तरह की मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे तो आगे से बहुत ज़्यादा वाहियात लगेगी। तो मॉडिफिकेशन का मतलब थोड़ा सा ये है कि लुक को भी इन्हेंस होना चाहिए और जो काम है वो भी आपका पूरा होना चाहिए, ठीक है जी। तो हैंड गार्ड के बाद और अगली जो चीज़ है वो यहाँ पर हमने लगाया है फोर्स स्लाइडर, सस्पेंशन की प्रोडक्शन के लिए बिल्कुल नीचे लेकर आ चुका हूँ मैं आपको दिखाने के लिए, एक एक चीज़ करके दिखाऊंगा। इसका जो काम होता है वो होता है सस्पेंशन की प्रोडक्शन करना तरीके से, ठीक है जी। तो ये CNC में रहते हैं, इसमें किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी और इसमें जंग नहीं लगता, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये, ठीक है जी। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगली चीज़ लगाई है हमने फॉग लैंप्स, और जो फॉग लैंप्स लगी हुई हैं वो डबल लगा रखी हैं। ये जो फॉग लैंप्स आप देख रहे हो ये 7 LED हैं, इस साइड 7 LED, इस साइड। तो ये जो फॉग लाइट है ये लगाने के बाद आप लोगों को जो है रोड पूरा कवर करती है। इसके अलावा इसमें कवर्स होते हैं येल्लो के लिए, अगर आपने येल्लो करना है तो कवर लगाने, अदरवाइज अगर आप वाइट चलाना चाहते हो तो इसको निकाल सकते हो। क्लैंप भी हमने साथ में लगाई है, यहाँ पर मर्सिडीज़ वाली फॉग लैंप जिसे वाई वाली कहते हैं, इसमें भी क्लैंप लगाई है ताकि राइडिंग में किसी भी तरीके की लूजिंग ना आए। जो पत्तियों से लोग रोक रहे हैं उसमें लूज हो जाती है बाद में राइडिंग के दौरान, आप लोगों को एलेंकी का जो है लेके बार बार टाइट करना पड़ता है, तो ये प्रॉब्लम आप लोगों की सॉल्व हो चुकी है। और ये जो फॉग लाइट हमने लगाई है ये लगाई है हमने हार्नेस वायरिंग के साथ। अब हार्नेस वायरिंग एक खुद की एक वायरिंग है जो इसको सपोर्ट करती है, इसमें मोड्स एक्टिवेट करती है, इसको सेव करती है, इसकी लाइफ बढ़ाती है, आपकी बैटरी डैमेज होने से बचाती है। तो आपको दिखाता हूँ इन दोनों के स्विचेस। तो यहाँ पर ये स्विच आ चुका है, एक फॉग लाइट का, एक फॉग लाइट का यहाँ पर स्विच आ चुका है। मैं इसको ऑन करता हूँ, सबसे पहले आपको ये वाला दिखाता हूँ। आप देखो सामने, सबसे पहले आप देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से इसका फोकस है, सामने दिखाना एक बार फोकस, दिन में दोपहर के टाइम पे फोकस देख लो आप। और इसमें फ्लैशिंग भी हो जाती है कुछ इस तरीके से, देखो काफ़ी सारे मोड्स आपको मिल जाते हैं, या दिखाना फ्रंट में, ये देखो भाई, तो ये फ्लैशिंग रहेगा। अब ये सेम वर्क मैं ऊपर वाली में भी करता हूँ, ये देखो भाई, इसके लिए हमें इसको कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है, फिर आप मिलेगा इसमें येलो वाइट, ठीक है जी, येलो वाइट, और यहाँ पर आपको मिलेगा फ्लैशिंग। अब फ्लैशिंग आप चाहो येलो वाइट पे कर सकते हो या येलो पे कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो ये हो गया फ्लैशिंग, फॉग लाइट, फोकस, तो पूरे के पूरे एक मस्कुलर लुक आता है यहाँ से फॉग लाइट के बाद। और क्या क्या चीज़ें आपको दिखाता हूँ, जैसे कि इसकी हेडलाइट का ग्रिल लगाया, हेडलाइट की प्रोडक्शन के लिए प्लस इसके लुक को इन्हेंस करने के लिए। और गाइस वहीं पर आप देखोगे तो GPS माउंट हमने लगाया यहाँ पर प्रॉपर वाला, और जस्ट उसके ऊपर लगाया हमने बोबो का मोबाइल होल्डर जिसको आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। आपका फ़ोन इसमें एक बार लग गया सो लग गया है, आप लोगों को बारिश हो रही है किसी भी तरीके की दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि ये फुल्ली वाटरप्रूफ है और इसके ऊपर से टच भी काम करता है, ठीक है। तो वो चीज़ें दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये चीज़ें जो है आप लोगों को पता चल जाती हैं देखने से ही। वोवो का है तो उसकी गारंटी भी रहती है, कोई दिक्कत आती है तो आप चेंज करा सकते हो। मास्टर सिलेंडर कवर लगा रखा है फ्रंट वाला, ये चेक कर सकते हैं आप, जिसमें हिमालयन का जो है कुछ इस तरीके से लोगो देखने को मिल जाता है। यहाँ पर कैलिबर कवर लग चुका है, और कवर की बात चल रही है तो मैं आपको और सारे कवर दिखाता हूँ, जैसे कि इंजन कवर, इसे सम्प गार्ड कहते हैं, ये भी लगा रखा है। यहाँ पर रेडिएटर ग्रिल, रेडिएटर सेंसिटिव पार्ट होता है, राइडिंग के दौरान कोई पत्थर लगता है भी डैमेज हो सकता है, उसकी प्रोडक्शन के लिए रेडिएटर ग्रिल लग चुकी है यहाँ पर हिमालयन 450 की। ये सारी प्रोडक्शन वाली चीज़ें हैं। अब आते हैं मुद्दे पे, वो है इसका क्रैश गार्ड। तो क्रैश गार्ड बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप राइडिंग के दौरान अगर बाइक आपकी गिरती भी तो आपका इंजन, आपके टैंक, आपके लेग ऑल अबाउट जो है सेफ रहते हैं, तो ये इसीलिए यूज़ होता है। और इसके ऊपर हमने फॉग लाइट लगाई है जो कि आप देख सकते हो, इसके मस्कुलर लुक आ रहा है। यहाँ पर भी क्रैश गार्ड देख सकते हो, बहुत ही हैवी है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे डिज़ाइन और मिल जाएंगे। अब यहाँ पर हमने हॉर्न भी लगाया है, उसका भी आपको साउंड सुना देता हूँ कैसा है। तो ये जो हॉर्न है ये वही आसान भाषा में बोलूँ तो पोपो वाले हॉर्न है, क्योंकि हॉर्न बहुत ज़रूरी है। तो हॉर्न के अलावा और आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें। जैसे कि आप ये मिरर देख रहे हो तो ये 360 वाले मिरर है, यानी कि इसको हम किसी भी एंगल में सेट कर सकते हैं, यहाँ वहाँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसकी जो विजिबिलिटी है बहुत अच्छी है, तो इसलिए ज़्यादातर हम ये रेफ़र करते हैं कि आप लोगों ने जब लगाने तो यही वाले लगाने, ठीक है जी। इसके अलावा दोस्तों ये है एक कैमरा माउंट, लेकिन हमने इसके ऊपर लगा दिया है इंडियन फ्लैग, जो कि कुछ इस तरीके से है। आप इसको हटाकर यहाँ भी माउंट कर सकते हो या फिर जहाँ आप चाहो वहाँ माउंट कर सकते हो। ये एक एज अ लुक के लिए मैंने आपको दिखाया कि ये यहाँ पर कैसा लग रहा है, तो यहाँ भी काफ़ी अच्छा है। बाकी आप इसको पीछे भी ऐड कर सकते हो, और इसको हम इस तरीके से लूज़ करके बाहर भी निकाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी निकालूंगा नहीं मैं। अब अगली चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, वो है PPF लेमिनेशन। अब ये फाइनल ईयर में उतारी नहीं थी, नहीं तो आपको लगता कि मैंने जैसे लेमिनेशन इस पर करवाई ही नहीं है, की ही नहीं है। देखो इसकी चमक शाइन देख सकते हो कितनी ज़्यादा है। जिन लोगों को मैट में लेना है मैट में ले सकते हो, ग्लॉस में लेना है ग्लॉस में ले सकते हो। ये टैंक कवर हो गया आपका, ये छोटा सा पार्ट हो गया पीछे वाला, छोटा सा पार्ट हो गया आपका, ये फ्रंट का मडगार्ड हो गया जो कि ऑफ रोडर मडगार्ड है, इसको भी जो है PPF में कवर कर दिया है। और चीज़ें दिखा देते हैं आपको, जैसे कि इसके फुटरेस्ट, ये कंपनी वाले हैं, ये हमारी कंपनी वाले हैं, यानी कि डबल फुटरेस्ट ड्यूअल साइड, उस साइड भी चेक कर सकते हो आप, ठीक है जी। इस साइड फुटरेस्ट आ चुके हैं, टायर हैगर आ चुका है बैक साइड में। अब आप देख रहे हो यहाँ पर मिट्टी वगैरह इतनी ज़्यादा इकट्ठा है, मैंने वॉशिंग इसीलिए नहीं कराई है भाई, ताकि आप लोगों को पता चल सके टायर हैगर क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखो मिट्टी कितनी ज़्यादा है,
तो इसीलिए हमने यहाँ पर लगा दिया टायर हैगर ताकि मिट्टी वगैरह अंदर ना जाए और ये आपका मोनोशॉक है ये खराब ना हो गले ना। सीट कवर के अंदर कुछ नहीं किया गया, कवर लगाया, एयर सीट लगाई है, इसको अपने कंफर्ट के हिसाब से आप इसमें एयर भर के कम ज़्यादा कर सकते हो और आपको जहाँ सेट लगता है कि भाई आप इतना कंफर्टेबल इनफ है उतना सेट करके छोड़ सकते हो, तो ये सब चीज़ें भी यहाँ तक हो गई। ठीक है जी, अब आते हैं और चीज़ों पर, वो चीज़ें हैं यहाँ पर ये मुद्दे जो बहुत ज़रूरी हैं। इसके साइड पैनियर्स एंड इसका टॉप बॉक्स की पूरी किट 65 लीटर में आपको मिलने वाला है ये टॉप बॉक्स, जिसके अंदर एक स्पेस की बात करूँ तो आप पहले आप इसका लुक चेक कर लो। दो पॉकेट मिलती हैं, काफ़ी लेदर की फिनिश मिलती है और प्रॉपर प्रीमियम टच मिलता है। दो हेलमेट्स इसमें आ जाएंगे इजीली या फिर एक हेलमेट और काफ़ी सारा सामान। ये हो गया जी, अब आपको दिखा देते हैं साइड पैनियर्स का जो है अंदर कितना स्पेस रहता है। ये देखो गाइस, ये कैमरे का जो माउंट है उसका सेटअप है। यहाँ एक पॉकेट, लेदर फिनिश, प्रीमियम टच एंड यहाँ पर भी सामान रख सकते हो। ये 37 लीटर में होते हैं, इसके अंदर भी आपको देखने को मिल जाता है लिखा हुआ। ये देखो गाइस 37 लीटर एंड यहाँ पर भी सेम चीज़। अब ये इतना स्पेस लेके आप चल रहे हो तो आपको टेंशन नहीं है कि आप क्या लेके चल रहे हो, सारा सामान आपका हो जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है फुल्ली वाटरप्रूफ, प्रॉपर मेटल में डी अटैचेबल, इसको आप हटा भी सकते हो, इसको आप लगा भी सकते हो। ये चीज़ और ये चीज़ आपकी हट जाएगी जब आपको राइड पर जाना होगा, तभी आपने लगाना है, अदरवाइज़ आपकी जो ये वाली फिटिंग है ये लगी रहेगी, ये आपका हट जाएगा। ठीक है जी, और इस वाले टॉप बॉक्स में आपको पिलियन के लिए बैकरेस्ट मिलता है। इस तरफ से दिखाओ, ये बैकरेस्ट आ गया, तो ये इसलिए ताकि किसी भी तरीके का पीठ में चुभन ना हो। ठीक है जी, तो एक सपोर्ट के लिए रहता है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ और छोड़ा है। छोटी छोटी चीज़ें आपको दिखा देता हूँ, जैसा कि आप देखोगे तो इसमें हमने गियर सॉक्स लगाए हैं एंड यहाँ पर देखोगे तो साइड स्टैंड एक्सटेंडर, ये देखो ये बहुत ज़रूरी है। कच्ची पक्की ज़मीन में भी अगर आपने लगा दिया तो बाइक धसेगी नहीं, क्योंकि पता नहीं है रोड कैसा मिल जाए, भाई कहाँ मिल जाए, तो उस चीज़ के लिए ये चीज़ें होती हैं। यहाँ पर स्लाइडर्स भी लगे हुए हैं इस पर ताकि किसी तरीके की दिक्कत ना आए, बाइक गिरे तो ये रोकने का काम करते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो फिलहाल ये होगी आप लोगों की हिमालयन 450, एक बार कस्टमर से ही बात करेंगे और उनको काम कैसा लगा। तो जी काम हो चुका है कंप्लीट, अब बात करते हैं कि भैया से कि उनको काम कैसा लगा शॉप पर आने के बाद, क्योंकि शुरू शुरू में पूरी बात हो नहीं पाई थी। ठीक है जी, तो प्रॉपर तरीके से हमने काम अपनी तरफ से कर दिया, लेकिन भैया को कैसा लगा ये भैया खुद बताएंगे। बता दो भैया एक बार। बहुत अच्छा लगा है और बेसिकली मैं आपकी वीडियो देख के ही आया था और जैसी वीडियो देखी थी वैसे उससे और अच्छा काम हुआ है। कैसा लगा पाजी आपने बता दो? काम बहुत बढ़िया लगा, अच्छा बहुत अच्छा लगा। बेसिकली आप लोगों का स्टाफ जो है ना बहुत स्टाफ बहुत अच्छा है, नेचर आप लोगों का बहुत अच्छा है, नेचर भाई हमारे बड़े। ऐसी चीजें बोल के ना मतलब ये हमारे को भी रियलाइज होता है कि हम अच्छा काम करा कुछ हमने। बेसिकली क्या होता है कि व्यवहार होता है काम करने का और बहुत प्रोफेशनली सेटिस्फाइड वाला काम करता है। कोशिश तो हमारी ये रहती है कि अपने साथ अच्छा करें, लेकिन फिर भी इंसान है, गलती होती है, तो भूल चुक तो हर इंसान भूल चुक लेनी देनी है भाई। तो पाजी आपका एक चैनल भी है शायद आपने बताया था मुझे। हां जी, अमृत अंडरस्कोर रॉ स्टूडियो। तो उसमें क्या करते हो आप, टूरिंग वगैरह वीडियो डालते हो? नहीं, वृंदावन की डालता हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो भाई को सपोर्ट करो, फॉलो कर लो, भैया अपने चैनल पे इस तरह की वीडियो डालते रहते हैं। ऑल अबाउट भैया दो शब्द मैं कहना चाहूंगा आपसे कि आपको अगर इस तरह में किसी भी तरीके की दिक्कत लगती है या लगी है तो आप मुझे बता सकते हो ऑन कैमरा। बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा लगा है हमें और बहुत प्रॉपर है। मैं टूरिंग करता हूं बेसिकली, मेरी 3 गाड़ियां हैं, थंडरबर्ड है पुरानी, फिर 500 है और ये मेरी नई अभी ली हुई है। तो आपकी वीडियो देख के मैं आया, अब इससे ही सारी राइडिंग। वो तो गाड़ियां कब आएंगी हमारे पास? जल्दी आने वाली है, जल्दी आएगी। तो जब भी आओगे भैया एक बार शॉप का देख लेना, क्योंकि काफ़ी सारी नकली दुकानें भी खुलती जा रही हैं। ये चीज़ है जी। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो जो हमारी असली शॉप है वो SKD बाइक वर्ल्ड है, जहाँ पर हम खुद मिलते हैं, हम दोनों ही मिलते हैं आपको वहाँ पर। पूरा नाम पड़ गया ना, SKD बाइक वर्ल्ड। ठीक है जी, और भैया भी शायद कॉल करके आए थे। बिल्कुल, आप एक बार कॉल कर लो, लोकेशन ले लो सिंपली। अगर आप यहाँ नहीं भी आते हो तो हम आपको आसपास अगर आप आते हो तो वहाँ से आपको पिकअप कर लेंगे और यहाँ पर लेकर आ जाएंगे। ये हो गए आप लोगों की हिमालयन 450 411 है, तब भी आप इस तरीके का काम कर सकते हो अपनी शॉप पर। मिलते हैं अगली वीडियो पर, टिल देन गुड बाय, जय हिंद जय भारत।